जय जय श्री राधे राधे राधे। मैं हेमंत शुक्ला आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ भगवान शिव के ऊपर। मृत्युर्लोके महाकाल नियंत्रयम् नमस्तुते। आज अभी फागुन मास में भगवान शंकर की विशेष पूजा, विशेष दिन। देखिए भगवान के लिए खास दिन है आज, महाशिवरात्रि पर्व आने वाला है। अभी फरवरी में 18 फरवरी को महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि में हम भगवान जी की व्रत रहते हैं, व्रत फलाहार, और फलाहार भगवान को अर्पण करें। पूजा में भगवान को कुछ नहीं, शिव जी को जल चावल के दाने अनिवार्य रूप से चढ़ाएं। अब बात आती है महाशिवरात्रि पर विशेष क्या, तो विशेष ये है कि शंकर भगवान जी का माँ पार्वती के साथ में इसी दिन विवाह हुआ है, और शिव जी तो थोड़े से पूजा में प्रसन्न होने वाले हैं। शिव जी और कोई नहीं मेरे प्यारे भक्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपके मन में दृढ़ निश्चय विश्वास होती है, मैं ये करूंगा, मैं देख लूंगा, मुझे चाहिए, वही शिव है, विश्वास ही शिव है। श्रद्धा नहीं, आपके कारण नहीं, मेरे कारण नहीं। जो हमारे प्रति संबोधक निकलता है, किसी के प्रति श्रद्धा नहीं होती है हमारी, और हम उनके कारण अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, वही श्रद्धा पार्वती है। विवेक, कब किसको बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, और हम अपने शब्दों को कैसे किस समय प्रकट करें, यही कलेश। पुरुषार्थ नहीं, ये होना चाहिए, इसमें भव्यता है, इसमें भव्यता नहीं है, यही कहते। बिना राशन का घर और बिना शासन की दुनिया न चल सका है, न चल सकता। शंकर भगवान के परिवार को देखो, शंकर भगवान जैसा परिवार, माँ पार्वती सिंह पर सवार, भगवान भोलेनाथ नंदी पर सवार, कार्तिक जी मयूर पर सवार, और गणेश जी मूसक पर सवार। सोचिए कितनी आश्चर्य बात है, कैसा परिवार, लेकिन इतना सुंदर परिवार आज तक हुआ है ना हो सकता। इसलिए भगवान भोलेनाथ थोड़ी सी पूजा पर प्रसन्न वाले। भगवान शंकर की ऐसे तो पूजा आप अपने मन के अनुसार, भगवान जी के द्वादश रूप, द्वादश ज्योतिर्लिंग, सबकी अलग अलग महत्व है। यदि आपको बड़ी कष्ट है, परेशानी है, तो आप कालों के काल महाकाल को याद कीजिए और भस्म आरती कीजिए, और भस्म आरती होती है ब्रह्म मुहूर्त। तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह 4 बजे भगवान जी का अभिषेक करो। अभिषेक करने के बाद में आप उसमें भस्म अर्पण करें, और उसी भस्म को प्रसाद के रूप में स्वयं अपने आप तिलक लगा करके प्रसाद स्वरूप थोड़ा थोड़ा भगवती के रूप में कीजिए। देखिए आपके जीवन में जो कष्ट आ रही है, विपत्ति आ रही है, कालों के काल महाकाल मिटा देते हैं। ऐसे तो रात्रि जागरण करके पूजा करनी चाहिए। और भगवान, आजकल की व्यक्ति सबको चाहिए, मैं निरोग काया रहूं, शरीर को अच्छा रखूं, स्वस्थ रहूं, और ये स्वस्थ के लिए ही आप शिव के शरण में आइए, क्योंकि शिव बड़े दयालु हैं। एक समय की कथा आती है, भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न वाले हैं, लेकिन उमा भवानी माँ पार्वती कहती है, भोलेनाथ ये आपका भक्त है, ये बहुत दरिद्र है, बहुत गरीब है, अरे इसे कुछ दो। तो भगवान बोलते हैं, मैं इनके भाग्य में नहीं है, कैसे दूं।
भाग्य को बनाना पड़ता है। कर्म की गति न्यारी है, इस बात को ध्यान रखना। माँ उमा भवानी कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, भक्त को दो। भगवान जी ने अपने सोने का कंगन निकाला, दे दिया। भक्त मालक माल की कथा। अब अचानक भक्त को एहसास हुआ, अंधे लोग चलते होंगे कैसे, अंधा कैसे चलता होगा। आज वो अपनी आंख को बंद करके अंधे का चलने का बहाना किया और उनका अनुभव करने के लिए जैसे ही वो चलने का प्रयास किया, सामने का सोना का कंगन को पैर से कुचल करके चला गया। भोलेनाथ ने कहा, उमा भवानी ये देखो, इनके भाग्य में नहीं है, इसीलिए भाग्य को बनाना पड़ता है। ये अपने भाग्य को उज्ज्वल कैसे करेगा, जब करेगा तभी इनको धन संपत्ता की प्राप्ति। आइए मैं आपको ऐसे ही कथा बताता हूँ, जाने अनजाने में भोले की शरण में आ जाए उसको भगवान शंकर भी भरपूर वरदान देते हैं। महाशिवरात्रि के दिन की घटना है, भक्त माल की कथा। एक भक्त शिव मंदिर पर चोरी करने के लिए गया। जैसी चोरी करने के लिए गया तो भगवान भोलेनाथ के तो भक्तों की कमी नहीं है। चले रे कंवरिया शिव की नगरिया, बन के पुजरिया रे, सारे लोग मदमस्त होकर के जाते हैं, सभी के सभी लोग पूजा कर रहे हैं। ऐसा रस है, ऐसा भीड़ है कि सब एक दूसरे को बस चिपक चिपक के पूजा कर रहे हैं। चोर सोचता रहा, चोरी करूंगा, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। रात्रि हुआ, अब रात्रि में सोचा तो भगवान जी में सब लोग जल चढ़ाते हैं, बेलपत्ती चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, और भगवान को भोग चढ़ाते हैं। लेकिन भगवान को कहाँ भोग चढ़ाते हैं, शिवलिंग के ऊपर। देखिए भोजन कैसे देना चाहिए, पात्र सम्मुख देना चाहिए, लेकिन हम लोग भगवान में अर्पण चढ़ा देते हैं। प्रायः देखिएगा लोग उसी में चढ़ा देते हैं। तो और अब चोर को कुछ नहीं दिखा, चोर ने सोचा अब क्या करूं। अचानक शिव जी के जलहरी के ऊपर में एक बड़ा सा घंटी बंधा हुआ था। चोर ने देखा, अरे हर हर महादेव, आज पैसा रुपया नहीं मिला, कम से कम 1.5-2 किलो का घंटी मिला है, इसी को ले जाता हूं, आज कुछ हो जाए। प्रयास किया घंटी को पकड़ने का, चारों तरफ शिव जी की खुला और बीच में हमेशा भोलेनाथ विराजमान रहते हैं और चारों तरफ खुला रहता है। घंटी को छूने का प्रयास किया, हाथ नहीं जा रहा था। वो चोर ने धीरे से जलहरी के ऊपर पैर रख करके चढ़ गया। जैसी चढ़ रखा और घंटी को खोलने लगा, शंकर भगवान इतने दयालु, कृपा निदान, हर हर महादेव प्रसन्न हो गए। बोलो क्या वरदान चाहिए। जो ब्लड प्रेशर लो हो गया उनका, कांपने लगा। क्यों, वो चोरी के दृष्टि से चढ़ा था भोलेनाथ के ऊपर। शंकर भगवान ने कहा, अरे भक्त बोलो तुमको क्या वरदान चाहिए। वो कृपया मुझे जाने दो प्रभु, मैं नहीं करूंगा प्रभु, मैं नहीं प्रभु, वो बार बार विनती करने लगा। तब भोलेनाथ की सरलता देखी। भोलेनाथ ने कहा, अरे मेरे प्यारे भक्त, दुनिया मुझ पर फल फूल दूध दही अर्पण करता है, लेकिन तू तो अपने आप को अर्पण कर दिया, इसीलिए मैं बिना वरदान दिए नहीं जाऊं। इसीलिए आप ध्यान रखें, पूजा में काली मिर्ची चढ़ाना, लौंग चढ़ाना, पान चढ़ाना, दूध चढ़ाना अनिवार्य नहीं। श्रद्धा सुमन, आप उसमें एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्याओं का निदान को पाओ, क्योंकि भगवान भाव के प्रेम के भूखे हैं और भोलेनाथ तो बड़े दयालु है। आपको बस सच्चा मन चाहिए, मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बात। जय जय श्री राम।